गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल प्लांट एंड ब्लूम्स। सो आज का जो वीडियो है, मैं अपनी इस गुलाब के प्लांट पर लेकर के आई हूँ। एंड ये मेरे टेरेस पर है, देखिए कितना खूबसूरत है ये। आई मीन इनकी लीव्स भी इतनी खूबसूरत लगती हैं, और वेदर भी आज का बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आपसे शेयर किया जाए। सो गाइज, मैंने इसकी जस्ट अभी गुड़ाई की हुई है, आई मीन फॉकिंग। सो ये करना बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि बारिश के पानी से मिट्टी पे काई की लेयर्स ही बन जाती है, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है प्लांट्स को। तो इसीलिए मैंने सोचा आज इसकी फॉकिंग की जाए। और देखिए इसकी न्यू शूट्स, और ये बर्ड। सो चलिए मैं आपको एक और प्लांट दिखाती हूँ अपना। ये देखिए, ये भी मेरा रोज़ का प्लांट है, ये देसी रोज़ है गाइस। और देखिए यहाँ पे भी एक नई शूट आई हुई है, और यहाँ भी, और ये। सो गाइस, ये जितनी भी न्यू शूट्स हैं आप, ये देखिए एक पीछे भी है। सो गाइस, ये जितनी भी नई शूट्स हैं, इनमें से इनके हर एक टिप पे बर्ड आने वाली है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कटाई छटाई करनी ज़रूरी होती है, मैंने आपसे प्रीवियसली भी एक वीडियो शेयर किया था। एंड ये हमारे पॉट शुलाकास, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। सो ये जस्ट गुलाब के प्लांट में अपने आप से आ गया। सो मैंने इसको अलग नहीं किया, मैंने सोचा इसको इसी में रहने देती हूँ। ये भी स्पॉट की बहुत खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको अलग नहीं किया। और फिर प्लांट्स होते हैं, बट मैं देखूँगी बाद में, अगर मेरा मन किया तो मैं इसको अलग से एक सेपरेट पे कर दूँगी, क्योंकि ये मोस्टली मेरे कई प्लांट्स में आ रहे हैं अपने आप ही। एंड गाइज, प्लीज़ बैकग्राउंड जो वॉइस है उसे इग्नोर कीजिएगा। सो ये गुलाब का प्लांट। एंड गाइज, वन मोर थिंग, जब एक बार ये जब भी ब्लूम करेगा तो मैं इसकी आपसे फोटो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए गाइज, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। न्यू लीव्स भी कितनी खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी आई थिंक कैल्शियम की कमी हो रही है, तो मैं देखती हूँ इसमें लाइक नेल्स का जंग होता है ना, नेल्स जो हमारे घरों में यूज़ होती हैं, तो मैं एक बार वो डालूँगी इसमें। बाकी हो सकता है कि बारिश की वजह से भी हो सकता है ये, क्योंकि कभी मौसम एकदम से ठंडा और कभी मौसम एकदम से गर्म हो रहा है। तो गाइज, ऐसी लीव्स को वैसे रिमूव करना सही रहता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो इसकी जो लीव्स हैं हेल्थी भी आ रही हैं। सो इट्स ओके, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और आज का वेदर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। समझ भी नहीं आ रहा है कि कब बारिश हो जाएगी और कब धूप निकलती है, ऐसा तो मौसम हो रहा है। ओके गाइस, अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अपना और अपने गार्डन का ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।